नमस्कार स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि, मैं सुरेश कोट ट्रिपल एस एन डिटायर से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि की थ्री कार्ड क्लेरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये 15 से लेकर 22 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए स्कॉर्पियो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, वो महसूस करें कि अगर इस रिश्ते में समय रहते कमिटमेंट वगैरह हो जाता है, या फिर स्कॉर्पियो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हो जाते हैं कि अब वो इस रिश्ते में आने के लिए तैयार हैं। ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है या फिर से सहनाइयाँ बच सकती हैं। तो धीरे धीरे करके रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे कार्ड्स है। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो वो क्रॉस मार्ग पर लटके हुए हैं, अदर में हैं, तो वह महसूस कर रहे हैं कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो अगर बाहर निकलते हैं, यानी कि इस क्रॉस मार्ग से वो बाहर निकलते हैं, आंखों से पट्टियां खोलते हुए सोच विचार करके वो रुक कर ठहर कर अगर आगे बढ़ते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं, क्लैरिटी लाते क्लियर हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता फिर से विक्टोरियस हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम ताकत और हिम्मत है कि रिश्ता फिर से विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा। इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने की ज़रूरत है, फिर से रिश्ता एक फैमिली एक परिवार की तरह हो सकता है और फ्रूटफुल हो सकता है। तो ऐसा जो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस जो क्रॉस मार्ग पर लटके हुए हैं इसे उन्हें बाहर आना पड़ेगा और दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके। तो ऐसा वो स्कॉर्पियो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर वो आगे बढ़ जाएं तो इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, फिर से खुशी आएंगी। तो देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं। तो स्कॉर्पियो आप ऑप्शन होते हुए भी आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस डिसाइड करना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप बिना किसी के साथ माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट करें, करेज हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने अंदर का डर बाहर निकालेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, चाहे सामने वाला माफ़ भी ना करे लेकिन दिल से उसे माफ़ करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो दिली तमन्ना है, वो पूरी होगी और ये रिश्ता जो है काफ़ी सक्सेसफुल होगा और कामयाब होगा। क्योंकि इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, अगर समय रहते क्लियरिटी लाई जाती है, डिसीजन लिया जाता है कि वो इधर उधर भटके बिना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार है, यानी कि डिसीजन लेने के लिए तैयार है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे हो सकता है। तो स्कॉर्पियो आप महसूस कर रहे हैं कि आप और कन्फ्यूज़न में ना रहते हुए रुक कर सोच विचार करके अपने अंदर का डर बाहर निकालेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे ताकि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सके, या फिर जो आपके पर्सन, या फिर ऐसा आपके पर्सन भी महसूस कर सकते हैं क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देखते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन
स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं? स्कॉर्पियो आपके पर्सन चाहते हैं कि स्कॉर्पियो के चाहिए कि कलर इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ बिना किसी छल कपट के, बिना किसी भेदभाव के यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और इस रिश्ते को में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि जो जो परेशानियाँ हों वो ख़त्म हों और दुख के बादल ख़त्म हों और फिर से ये रिश्ता सक्सेसफुल बने। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हार्मेट जजमेंट एंड सिक्स ऑफ वॉन्ट्स। तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ जो भी गिले सिकवे हैं, जो भी परेशानियां उनको ख़त्म करें और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं उसे आगे बढ़ाएं ताकि धीरे धीरे करके सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सके। और वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि आपके लिए कितना ये रिश्ता इम्पोर्टेंट है। अगर सचमुच आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, इसकी गहराई को समझें और स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग मेडिटेशन करें और सेल्फ डिपेंडेंट बने। और स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो इस रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन करने में, रीयूनियन करने में उनकी हेल्प और मदद करेगी। तो क्योंकि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। अगर वो हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो जो उनको मार्गदर्शन मिलेगा, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, तो बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना एक दूसरे को जज किए, तर्क वितर्क किए बिना, अगर दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और नेम और फेम के साथ, मान और सम्मान के साथ समाज में लोग इसको फॉलो करेंगे और काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। ऐसा वो आपसे चाहते हैं या फिर हो सकता है कि आप उनके बारे में ऐसा चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर डरे नहीं, घबराए नहीं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, अपने अंदर का डर बाहर निकालेंगे तो धीरे धीरे करके जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जिसके लिए वो काफ़ी परेशान हैं, ऑप्शन होते हुए भी वो ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं, तो अगर वो कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो बिना इमोशंस में बहे, समय और फलो के साथ चलते हैं। यूनिवर्स जो आइडियाज़ दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक साथ दे रहा, भाग्य साथ दे रहा, आगे बढ़ने का जो मौका मिल रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को जो है सक्सेसफुल बनाना चाहिए। ये रिश्ता, इस रिश्ते में काफ़ी प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस और नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो चाहते हैं कि हिम्मत करें, डरे नहीं, घबराए नहीं और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए बिना समय गंवाए हुए वो समय के साथ, फ्लो के साथ चलें और आगे बढ़ें, और ताकि ये बॉटम ऑफ द डेक बार बार बता रहा है कि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके। तो ऐसा जो है स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल और विक्टोरियस बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सीधा जंप ना लगाएं, लेकिन एक रिस्क जरूर लें, क्योंकि जब तक वो इसमें रिस्क नहीं लेंगे, यानी कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा और इस कन्फ्यूजन से, इस दिक्कत से उन्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। समय के साथ, फ्लो के साथ चलना पड़ेगा ताकि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके। देखते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? टू ऑफ कप्स। ये रिश्ता सोलमेट हो रहा है, एक
आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है। अगर जो जो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं प्यार से प्रेम से, तो ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ सकता है। जो मेल और फीमेल एनर्जी है उनमें थोड़ा सा जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जो मेल एनर्जी है अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टली पेश आते हैं तो उन्हें थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टली पेश आना चाहिए ताकि दोनों में कन्फ्यूज़न ना रहे और दोनों में बैलेंस आ जाए। तो इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता सोलमेट होगा, सक्सेसफुल होगा। अगर इस रिश्ते में जो भी क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे दुख स्कॉर्पियो को हो या उनके पर्सन को हो, किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन क्योंकि क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुल कर बातें होंगी, तो जो जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और जो रिश्ता आगे बढ़ेगा तो फ्यूचर में कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ ना होगी। और अपने वाणी पर कंट्रोल करते हुए, बिना इंसानों को यूज़ किए बिना चीज़ों को अगर यूज किया जाता है और परिवार और फैमिली का सपोर्ट और मदद लेते हुए आगे बढ़ा जाता है, तो ये रिश्ता जो है कामयाब होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन ये रिश्ता आगे होगा। तो ऐसा इसका जो है आउटकम बता रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके और खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकें। और इसमें कुछ लोगों को जो सुख पैतृक संपत्ति भी मिलती दिखाई दे रही है, जो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पैतृक संपत्ति की वजह से या पैसे प्रॉपर्टी की वजह से इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न आई हो, तो कुछ लोगों को वो भी मिलती इसमें दिखाई दे रही है। और इसका जो आउटकम है जो काफ़ी सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है, यह सक्सेसफुल हो सकता है अगर दोनों एक दूसरे परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए इसमें क्लैरिटी लाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है। यूनिवर्सिटी गाइडेंस दीजिए प्लीज स्कॉर्पियो पर्सन के लिए, क्या गाइडेंस हो सकती है, क्या मैसेज हो सकता है। द स्टार डेथ, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि पहले आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। पहले थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी गिले सीखे हैं, जो भी प्रॉब्लम रही है, जिस चीज़ से आप हर्टेड हुए हैं, दिल दुखा है, मन दुखा है, वो चीज़ें आपकी ठीक होंगी। और उन चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है जो जिससे आप चिपके हुए हैं, चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो सकता है। तो उन चीज़ों को, उन लोगों को, उस जगह सिचुएशन को, उस पैसे, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उन चीज़ों को बदलिए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो चाहे वो घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लीग, कोई बॉस, कोई जानने वाला, कोई भी हो, जो भी इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दे रहा है, उस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन चीज़ों को बदल दीजिए, और अपनी सोच को जो जिससे आप चिपके हुए हैं, जिस समय के साथ फ्लो के साथ बहना सीखिए, उस ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर आप उनसे चिपके रहे, उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और उन चीज़ों को जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आप बदलेंगे नहीं, चाहे उन चीज़ों को बदलने में दुख तकलीफ हो सकता है, क्योंकि अपनों को छोड़ने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि यकीन मानिए अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इस रिश्ते की गहराई को समझते हैं, और इसको किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे जाकर फिर से स्टेबल हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में मिल सकती हैं। लेकिन इसको हील करना रिक्वायर्ड है, यानी कि हीलिंग जरूरी है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए नहीं बचा था। अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये रिश्ता मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और फ्यूचर में कोई भी परेशानी, तकलीफ नहीं आएगी।
तो यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिस चीज़ों से आप चिपके हुए हैं उन चीज़ों को समय के साथ फ्लो के साथ बहने दीजिए, अपनी गंदी आदतों को अपनी है उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जिससे नेगेटिविटी मिलती है, आप उनसे चिपके हुए हैं, उन्हें रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर इतने वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते। थैंक यू सो मच।